सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद है पहुंचे होंगे। सो फ्रेंड, अगर आपका भी फर्स्ट गेम में कुछ इस प्रकार से लोकेशन प्रॉब्लम आ रहा, फ्रेंड अगर आप लोग कोई भी गेम प्ले करते हो या फिर आप लोग एट मनी करते हो, एट गेस करते हो, तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम देखने के मिलता है। जैसे आप लोग देख पा रहे, एक पॉपअप देखने के लिए मिलता है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो स्टेशन लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे गो पे टैप कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऐसा जो प्रॉब्लम देखने के मिलता है फ्रेंड, ठीक। तो बहुत लोग को ऐसा प्रॉब्लम देखने के मिलता है फ्रेंड, तो आज का वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन जानेंगे और लैब प्रूफ फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे, अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम एट कैश पे टैप कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब एट कैश पे टैप करने का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे एट कैश पे टैप करके प्रोसेस पे टैप करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड, कुल मिला के यहाँ पे तो ना एट कैश हो रहा है, ना तो एट मनी हो रहा है, ना तो यहाँ पे कोई गेम प्ले हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट गेम में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे बैक आ जाएंगे यहाँ से फ्रेंड, ठीक है। ऐसे बैक आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ₹5 वाला मान के चलो कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन ही नहीं हो रहा फ्रेंड, ठीक है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, और इसका क्या सोल्यूशन है फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते फ्रेंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका फिक्स सोल्यूशन जान लेंगे। सो फ्रेंड, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड जैसे तेलंगाना, अभी मैं तेलंगाना पे हूँ फ्रेंड, इसलिए ऐसा हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तेलंगाना हो गया, यहाँ पे आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, नागालैंड हो गया, ऐसा कुछ जो कि स्टेट है फ्रेंड, वो स्टेट में जो कि एप्लीकेशन बैंड है फ्रेंड, मतलब बंद है फ्रेंड, ठीक है। वैसा जो कि स्टेट में एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, तो फ्रेंड आखिर इसको किस प्रकार से सॉल्व करें प्रॉब्लम को, मतलब आपको क्या करना है कि अपना स्टेट चेंज करना है फ्रेंड, ठीक है। तो आप अपना स्टेट से तो कहीं पे जाइएगा नहीं, आपको अपना मोबाइल में कुछ ऐसा सेटिंग करना है, सेटिंग करने के बाद आपको अपना जो कि लोकेशन को चेंज करना है और आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आज का वीडियो में जानेंगे कि आप घर बैठे किस प्रकार से अपना लोकेशन को चेंज कीजिएगा और ये प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। लैब प्रूफ ये जो प्रॉब्लम अभी देख रहे हो फ्रेंड, ये जो कि मेरा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को लैब प्रूफ को सॉल्व करके मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको सेटिंग करना है, क्या चीज करना है, पूरा आपको वीडियो में ए टू जेड करके दिखाने वाले हैं और प्रॉब्लम को 110% सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए आपको देखना है, 100% आपको जो कि 200% इसका सोल्यूशन मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे फ्रेंड। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना फ्रेंड, यहाँ से जैसे मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। सिंपल से यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना है प्ले स्टोर पे। अब जैसे यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे आ जाता हूँ, प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड, सबसे पहले एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। अब कौन सा एप्लीकेशन है फ्रेंड, सिंपल से यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिंपल सा लोकेशन चेंजर लिख के आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे लोकेशन चेंजर लिख के यहाँ पे मैं सर्च किया फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एक एप्लीकेशन निकल के आ गया लोकेशन चेंजर, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सिंपल सा हम इंस्टॉल पर टैप करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर इसका अंदर आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वो सेटिंग करने के बाद आपका जो कि प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लैब प्रूफ इसका सेटिंग भी करेंगे और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे फ्रेंड, ठीक। तो सिंपल से आप लोग देख पा रहे हो कि जो लोकेशन चेंजर एप्लीकेशन है फ्रेंड, वो यहाँ पे मेरा जो कि इंस्टॉल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। सिंपल से आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप लोग इसको ओपन कर दो फ्रेंड, ओपन करने का आपको थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नो पे टैप कर लेना है। नो पे टैप करने के बाद एलवा कर लेना है। एलवा करने का फ्रेंड आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। तो आप लोग को क्या करना फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे नीचे जो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च का, सर्च का ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, या फिर बॉम्बे हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसा कुछ स्टेट आपको लिख देना है फ्रेंड, मतलब यहाँ पे आपको लिख देना है फ्रेंड, ठीक है। आप चाहे कहीं से भी हो फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यहाँ पर आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे कहीं से भी हो, सिंपल आपको बिहार, दिल्ली या फिर बम्बई या हरियाणा कुछ लिख देना है फ्रेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बिहार लिख देता हूँ फ्रेंड, जैसे यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे मैं बिहार लिख देता हूँ फ्रेंड। बिहार लिखने के बाद सिंपल सबको यहाँ पे बिहार के बाजू में एक जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च का, छोटा सा सर्च का ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं सर्च का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, सर्च का ऑप्शन पे टैप करने का आपको यहाँ पे जो कि देखने को मिल जाएगा स्टार्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो स्टार्ट का ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर लेना है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन पर एक बार टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, उसके बाद आप लोग के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे एस का ऑप्शन पर टैप कर लेना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एस का ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, फिर से आपको एक बार एस का ऑप्शन पर टैप कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं एस का ऑप्शन पर टैप कर लिया फ्रेंड, उसके बाद आपको सीधा जो कि अपना मोबाइल का जो सेटिंग है फ्रेंड, उसमें आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा, आपको अपना मोबाइल का सेटिंग भी लेके चल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सॉर्टिकल इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, सॉर्टिकल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन पर एक बार टैप कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉर्टिकल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे चौथा नंबर पर देखने के लिए मिल जाएगा, पांचवा नंबर पर बेल्ट नंबर। तो बेल्ट नंबर का को ऑप्शन पे आपको 5 से 7 बार आपको टैप कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ फ्रेंड, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
आपको टैप करने के बाद फिर आपका सामने अगर आप मोबाइल का स्क्रीन लॉक ला कर रखो तो आपको लॉक डाल लेना है, ठीक है। मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन लॉक डाल लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। उसका यहाँ पे जो कि देख सकते हो कि डेवलपर ऑप्शन ऑन, मतलब आपका यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया फ्रेंड, ठीक है। आपको अगर आपका मोबाइल पे ऐसा नहीं हो रहा तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना कि जो जो भी आपका मोबाइल है उसमें डेवलपर ऑप्शन ऑन कैसे करें, ठीक है। उस प्रकार से आपको अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना फ्रेंड, ठीक है। और आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। इतना करने का आपको यहाँ से बैक आ जाना है, फिर से यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने का तो फिर से यहाँ पे जो स्टार्ट का ऑप्शन है फ्रेंड, स्टार्ट का ऑप्शन में फिर से और एक बार टैप कर लेना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। यस का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप यहाँ पे खोज लेना फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे कर लेंगे, नीचे करने के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप कहाँ पर है। धीरे धीरे इसको रन करते हुए आ जाएंगे, ठीक है। मेरा वीवो मोबाइल है, मेरा सबसे नीचे है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे नीचे मेरा सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका कोई अदर सिम है, मतलब सॉरी अदर कोई मोबाइल है जैसे वीवो, ओप्पो, कुछ भी मोबाइल हो, आपको धीरे धीरे इस प्रकार से क्या करना है कि चेक कर लेना कि सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप कहाँ पर है। मेरा सबसे नीचे है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट मूव लोकेशन ऐप ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लोकेशन चेंज है जो एप्लीकेशन है फ्रेंड, वो यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको पर एक बार टैप कर लेंगे। जैसे इसको पर एक बार टैप कर लेते हो फ्रेंड, उसका यहाँ से आपका जो काम हो गया, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक आ जाना फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बैक आने के बाद सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाता हूँ फ्रेंड। बैक आने के बाद सिंपल से यहाँ पे जो कि आपको फिर से और एक बार स्टार्ट ऑप्शन पे टैप कर लेना है। चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट ऑप्शन और एक बार टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, स्टार्ट ऑप्शन पे टैप कर लिया, यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन पे टैप कर लिया, फिर आपको यहाँ पे यस ऑप्शन पे टैप कर लेना है। मतलब लोकेशन का जो परमिशन है फ्रेंड वो आपको देना पड़ेगा, आपका लोकेशन तो चेंज हो गया लेकिन परमिशन देना पड़ेगा इस एप्लीकेशन में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस ऑप्शन पे टैप कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, जो कि यहाँ पे अलावा कर लेना है, अलावा कर लेंगे। अलावा करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको एक बार स्टार्ट ऑप्शन पे टैप कर लेना है, और एक बार स्टार्ट ऑप्शन टैप कर लेंगे, फिर यहाँ पे बता रहा कि 24 आवर्स के लिए यहाँ पे आपका लोकेशन चेंज होगा, मगर यहाँ पे दो चार दिन रह जाता है फ्रेंड, मतलब ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे यस ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे यस ऑप्शन पे टैप किया जाएगा फ्रेंड, उसका यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे मेरा नेट वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो उसका आप लोग के सामने मैं थोड़ा साउंड कम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में प्रॉब्लम हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का आप लोग के सामने एक एड आ जाएगा, ठीक है। उस एड को आपको देख लेना, देख के आपको स्किप कर लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन फ्री का है, इसलिए आपको 10 से 15 सेकंड का एड देखना ही पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि और यहाँ पे 5 से 6 सेकंड बाकी है, उसका एड को हम क्या करेंगे, स्किप कर लेंगे। एड को स्किप करने के बाद आपका जो कि लोकेशन चेंज हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एड यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे हम एड को स्किप कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन भी आ गया है कि यहाँ पे आपका जो कि लोकेशन यहाँ पे चेंज हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब लोकेशन तो यहाँ पे मेरा चेंज हो गया, अब यहाँ पर प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ है या नहीं वो तो देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ लेंगे, बैक आने का क्या करेंगे, सिंपल से आ जाएंगे फ्रेंड, और यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, एप्लीकेशन को यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल सा जो फर्स्ट गेम है इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड, ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, ओपन तो कर लिया इसको, थोड़ा हम इस प्रकार से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट गेम को जैसे हम ओपन कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट गेम को उसका यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। चलो हम इसको एक बार सेटिंग में जाकर अपडेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम परमिशन दे देते हैं, इसको एक बार अपडेट मांग रहा, चलो इसको अपडेट भी कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। अगर आप लोग अपडेट नहीं किए तो अपडेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अपडेट में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर लिए, ओपन कर लेंगे फिर से पेटीएम फर्स्ट गेम को, फिर से हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि थोड़ा वेट कर लेंगे, फिर इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। उसका यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे फ्रेंड, 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग लैब देख रहे हो फ्रेंड, थोड़ा 1 सेकंड के लिए कि वीडियो स्किप नहीं हो फ्रेंड, ठीक है, लेकिन आपको लैब में करके दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मान के चलो कि 1 रुपया वाले यहाँ पे हम गेम को प्ले करेंगे, वॉलेट में आप लोग देख पा रहे हो 18.53 रुपया है, 1 रुपये वाला गेम को यहाँ पे प्ले करेंगे, ठीक है। प्ले करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो कि मेरा गेम भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका फ्रेंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि चलने का ऑप्शन आ रहा है, फटाफट से मैं चल गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 6 भी निकल गया, फिर चल गया 4 निकल गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पेटीएम फर्स्ट गेम का जो आप लोग लोकेशन प्रॉब्लम फ्रेंड या फिर एड वाली प्रॉब्लम इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मैं गेम भी खेल रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गेम को खेलूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो गेम को करता हूँ यहीं पे एंड। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, गेम को सिंपल सा क्लियर कर लेता हूँ, एंड कर लेता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो 17.53 रुपये, मतलब 1 रुपये का भी गेम खेला और मैं अपने वजह से हार गया, ठीक है। यहाँ पे अगर एड कैश पे टैप करेंगे, एड कैश पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल सा जो कि एड कैश कर सकते हो, यहाँ पे एड कैश का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एड कैश करने का भी ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड, मतलब यहाँ पे हम एड कैश भी कर सकते हैं सिंपल सा।
पेड प्रोसेस का ऑप्शन पे टैप कर लेते हैं, उसका ध्यान पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पेटीएम एंड गूगल पे शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम एड मनी भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ से कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को, मतलब यहाँ से कर लेता हूँ बैक, ठीक है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आप लोग देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, और चैनल में हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना फ्रेंड, क्योंकि इस फिल्म आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मिलता रहता है और हमेशा मिलता रहेगा। अगर आपको कोई भी अदर एप्लीकेशन में कोई जो कि एफसेट में या फिर कोई मोबाइल का सेटिंग में या कोई भी प्रॉब्लम फ्रेंड, तो आप लोग बिंदास कमेंट में बता सकते हो, उसका मेरे तरफ से 100% सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल में आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन मिलता है फ्रेंड, ठीक है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कमेंट में बता देते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ये मेरी तरफ से फ्रेंड, ठीक है। और इस चैनल में आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि इस चैनल को मैं बनाया हूँ सिर्फ प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन बताने के लिए फ्रेंड, ठीक है, आप लोग का हेल्प करने के लिए। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करना। सो चलो फ्रेंड मिलते हैं, आज के लिए इतना, तो बाय, टेक केयर।